नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में। जो हमारा प्लांट इंडस्ट्री रहता है या फैक्ट्री रहता है या प्लांट रहता है, उसमें किस किस टाइप की सिग्नल हम लोग PLC और DCS के लिए यूज करते हैं, और वो हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती करूंगा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, प्लांट इंडस्ट्रीज में दो टाइप के सिग्नल को यूज किया जाता है। पहला है एक मेरा डिजिटल सिग्नल, दूसरा एनालॉग सिग्नल। मैं सबसे पहले डिजिटल सिग्नल के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। डिजिटल सिग्नल एक्चुअली बाइनरी डिजिट रहता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। डिजिटल सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल भी बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब रहता है कभी आए कभी ना आए। तो 0 1 में भी हम लोग बोल सकते हैं कि 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। यहाँ पे लो हाई भी लिख सकते हैं हम लोग, और हाई जैसे कि आप देख रहे हैं, और ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, ऑन या ऑफ रहेगा, ठीक है, स्टार्ट रहेगा या स्टॉप रहेगा, दोनों आप बोल सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। अब दोस्तों, हम बताना चाहूंगा कि ये डिस्क्रीट सिग्नल की जरूरत कैसे क्यों पड़ती है हम लोगों को। डिस्क्रीट सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल की जरूरत इसलिए पड़ती है, या तो हम लोग मान लो कोई बाल्ब है, बाल्ब उसको ओपन फीडबैक लेना हो, तो हम लोग क्या है, एनालॉग में हम लोग परसेंटेज के रूप में रहते हैं, लेकिन डिजिटल में फुली ओपन और फुली क्लोज दो तरीके से लेते हैं, या तो फुली ओपन होगा या फुली क्लोज होगा। फुली ओपन या फुली क्लोज में इसलिए लेते हैं, या तो 0% बोल सकते हैं इसको, या 100% बोल सकते हैं एनालॉग की टर्म्स में। तो इसलिए दोस्तों, हम लोगों को डिजिटल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को हम लोगों को फीडबैक चाहिए, या कहीं पे हम लोगों को और कुछ चाहिए, जैसे कि हो गया हमारा पोजीशन चाहिए कि भाई मेरा एक मोटर चल रहा है इस कन्वेयर पे, इस पोजीशन पे आके हमको इसका प्रेजेंस मिले, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, फोटो सेल लगा देते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक कन्वेयर चला, कन्वेयर चलने के बाद यहाँ पे प्रेजेंस आया, मान लो कोई कोई यहाँ पे गत्ता रखा है, वो यहाँ पे आया तो एनोड वो चीज हमारा प्रेजेंस हुई यहाँ पे, तो वो क्या होगा, हमारा एक सिग्नल होगा, वो क्या होगा, बन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को हाई मिला यहाँ पे आने के बाद, भाई वो चीज प्रेजेंस हुई, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, PLC सिस्टम में। PLC सिस्टम हमारा अलर्ट होगा कि भाई वहाँ पे वो चीज प्रेजेंस हो चुकी है, और वो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ डिजिटल सिग्नल के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। डिजिटल सिग्नल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, सेलेनाइड वाल्व भी डिजिटल सिग्नल का एक एग्जांपल है। दूसरा हो गया हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्विचेस। स्विचेस में कई टाइप के स्विच होते हैं, प्रेशर स्विच हो गया, टेम्परेचर स्विच हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्विच, लेवल स्विच हो सकता है, या आपका फ्लो स्विच हो सकता है, ये स्विचेस हो गया, या आपका लिमिट स्विच हो सकता है, ये हमारे स्विचेस में आते हैं। और बाकी और स्विचेस भी आते हैं दोस्तों, वो भी हमारे डिजिटल में आते हैं, जिसके आगे स्विच लग गया वो हमारा डिजिटल सिग्नल में आएगा। आप बात करने आ रहा हूं बटन के बारे में, पुश बटन भी हमारा डिजिटल सिग्नल में आता है। कॉइल हो गई, जैसे सोलेनाइड बता दिया तो ऑलरेडी वो कॉइल में आ चुका है, फिर भी लिख देता हूँ, कॉइल हो गया। कॉन्टेक्टर हो गए, यह हमारे मोटर के में जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर या मेन कॉन्टेक्टर रहते हैं, वो भी हमारे डिजिटल सिग्नल में ही आते हैं।
और कॉइल हो गई, कॉन्टेक्टर हो गया, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर हो जाते हैं हमारे इंडिकेटर, या हम लोग बोल सकते हैं बल्ब, बल्ब जो हमारे डिजिटल सिग्नल में आते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी और इंस्ट्रूमेंट है जो अभी हमारे डिजिटल सिग्नल में आते हैं। डिजिटल सिग्नल के बारे में तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ एनालॉग सिग्नल के बारे में। दोस्तों एनालॉग सिग्नल बोले तो जो सिग्नल की वैल्यू हमको कंटिन्यूअस मिले, क्या मिले? कंटिन्यूअस मिले, कैसे मिले? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस सिग्नल की वैल्यू हमको क्या मिले? कंटिन्यूअस मिले और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी भी हो गए, तो उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोल रहे हैं। तो दोस्तों एनालॉग सिग्नल में हम लोग क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉग सिग्नल में हमारे ट्रांसमीटर होते हैं, जितने भी ट्रांसमीटर, प्रेशर हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर बोल सकते हैं आप, फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर शॉर्ट में लिख दिया हूं, लेवल मान लीजिए, लेवल ट्रांसमीटर आ गया आपका, ठीक है, ट्रांसमीटर आ गया। उसी में हमारा आरटीडी आ जाती है, आरटीडी का बेसिकली हमारा रजिस्टेंस आता है, आरटीडी मतलब रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आरटीडी जो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं उसका रजिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग इससे, थर्मोकपल हो गया, ये हमारा मिली वोल्ट देता है, यहाँ रजिस्टेंस हो गया, यहाँ वोल्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे करंट हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करंट, जैसे कि हम लोग क्या है ये करंट के लिए हैं, ये तीनों सिग्नल किस लिए हैं? करंट, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा वोल्टेज, उसी तरह फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप का कोई सिग्नल, जैसे करंट मिला, रेजिस्टेंस मिला या वोल्टेज मिला, जो सिग्नल हमको मिले उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। दोस्तों एनालॉग सिग्नल की हम लोगों को इसलिए जरूरत पड़ती है, कोई हमारा प्रोसेस रहता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हमारा 100% है, ठीक है दोस्तों, ये 0% है, ये हमारा एक टाइम है, टाइम मान लीजिए, या आप और कुछ मानना चाहें वो भी मान सकते हैं, टाइम मैं दे रहा हूं यहां पे। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल ट्रांसमीटर का ले रहा हूं, ये मेरा 0 to 100% में ले रहा हूं, आप चाहें तो इसको 0 to 10 में ले सकते हैं, बार में 0 to 100 बार भी ले सकते हैं, या 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, या और जो आप चाहें लेवल में ले सकते हैं, आप जो आपके इच्छा हो वो ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ, अब यहां मेरा पहुंचा सिग्नल इस पोजीशन पे, तो उसका मेरे को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पे 50% है, तो इसका 50% का फीडबैक मेरे को पीएलसी में मिलेगा यहां पे, कि मेरा जो लेवल है या प्रेशर है या टेम्परेचर है वो हमारे 50% पहुंच चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमारे डीसीएस और पीएलसी हमारा कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग अब वो अपना प्रोसेस के पैरामीटर्स को सीबी वगैरह जनरेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल एलिमेंट रहेंगे उनको कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग दो सिग्नल यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, मैं अगला वीडियो पीएलसी सिस्टम के ऊपर बना रहा हूँ, वो वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा देखने को। तो दोस्तों
मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले इसी तरह के टेक्निकल नॉलेज के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर करिएगा, जिससे कि मैं और आपको नई चीज़ दे सकूं और कुछ एडवांस भी आपको सिखा सकूं। क्योंकि दोस्तों, आप इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो पर डे डे बाई डे हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारा पर डे मोबाइल चेंज हो रहा है, उसी तरह हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। प्लांट इंडस्ट्रीज का भी अभी कई टेक्नोलॉजी नई नई आई हैं। अभी पहले हमारा अभी 4.0 इंडस्ट्री जो चल रहा है, जो डिजिटलाइजेशन का पूरा स्कोप है, वो चल रहा है। पहले हमारा 0.1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अभी 4 चल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह टेक्नोलॉजी पर डे चेंजेस हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ज्ञान मिले और मेरे को भी कुछ नॉलेज शेयरिंग करने का मौका मिले। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों। धन्यवाद।